किसी युवक से एक सवाल किया गया, सघन अंधकार हो, हाथ पर हाथ न सूझता हो, सामने पहाड़ हो, कलाकलाती ठंड हो, कहीं कोई रास्ता न हो, वहां फंसने पर तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास रोशनी का कोई प्रबंध भी नहीं है, तो फिर तुम क्या करोगे? जवाब दिया, कहीं से दो पत्थर टटोलूंगा, उनमें संघर्षण करके आग उत्पन्न करूंगा, पत्तों को जलाकर रोशनी प्रकट करूंगा, सबसे पहले अपनी शीत का निवारण करूंगा और फिर उसके प्रकाश में कोई रास्ता तलाशूंगा। बस यही दृष्टि जीवन की श्रेष्ठ दृष्टि है। आज बात एक्स की है। हम एक्स की जब कभी भी बात करते हैं तो एक्स एक प्रोनाउन है, जहां हम किसी व्यक्ति की उपस्थिति की बात न होने पर भी उसका नामोल्लेख न करके भी नाम ले एक्स। लेकिन आज मैं आपके बीच एक्स से एक अलग बात रखने जा रहा हूं, वो है एक्स विजन। एक्स विजन ये क्वाइन किया हुआ वर्ड है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है, जो हमारे जीवन की उन्नति के लिए बहुत उपयोगी है। एक्स विजन मीन्स क्या? ए पर्सन हु इज बेसिकली डोमिनेटेड इन एवरी सिचुएशन। ए पर्सन हु इज बेसिकली डोमिनेटेड इन एवरी सिचुएशन। विजन का सामान्य अर्थ दृष्टि है, लेकिन एक्स विजन यानी ऐसी दृष्टि जिससे संपन्न मनुष्य अपने जीवन की हर स्थिति में मजबूत बना रहे। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियां आती रहती है, और ऐसी स्थिति में दो तरह की प्रतिक्रिया होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में आने वाली मुश्किलों से हार जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलों का सामना करते हैं। जो हार जाते हैं वे लक्ष्य से हट जाते हैं, और जो डट जाते हैं वे अपने लक्ष्य को पा जाते हैं। संत कहते हैं, अपने मुश्किलों से हटकर भागो मत, डटकर सामना करो। हटो नहीं डटो, वो दृष्टि तुम्हारे अंदर विकसित होनी चाहिए। चाहे जैसी भी स्थिति हो, अपना संतुलन, अपना धैर्य बना करके चलो, ताकि चीजें तुम पर हावी ना हो, सदैव तुम चीजों पर हावी रह सको। एक बात हमें बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए, संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जिसकी परिस्थितियां सदैव उसके अनुकूल रहती हो। हर व्यक्ति के जीवन में ऑड सिचुएशंस आते हैं। कई कई बार तो ऐसा भी होता है, बड़ी भयानक मुसीबतों में भी फंसना होता है। ऐसी स्थिति में अपनी स्थिरता को बनाए रखना ही एक्स विजन है। अपने विजन को देखो। ज्यादातर लोग थोड़ी थोड़ी बातों में विचलित हो जाते हैं, अपने पथ से डिग जाते हैं, समझौतावादी दृष्टिकोण अपना लेते हैं और उससे वंचित हो जाते हैं जिसे वे पा सकते हैं। संत कहते हैं, थोड़ा ठीक से समझो और चीजों को उस अनुरूप विकसित करने की कोशिश करो। चार प्रकार की स्थितियां हैं जिनमें विसंगतियां आती है, विपरीतता आती है,
और मनुष्य उनसे घबराता है। और चार सूत्र मैं ऐसा दूंगा जो आपकी दृष्टि को, आपके विजन को एक्स विजन बनाकर आपको समर्थ और सशक्त बनाने में मददगार बनाएगी। चार स्थितियां, सिचुएशंस हमारे साथ आते हैं, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक या आर्थिक। शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक, इन चारों स्थितियों में जब कभी कुछ उल्टा घटने लगता है, मन टूटता है। सबसे पहले शरीर को ले, जिनका शरीर स्वस्थ है उनके लिए तो कुछ खास नहीं होता, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं, सब कुछ स्मूथ चलता है। लेकिन कभी शरीर अस्वस्थ हो, उस घड़ी तुम्हारी मनोदशा क्या है? प्रायः स्वस्थ रहने वाले लोग थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पर पस्त हो जाते हैं। पर बंधुओं, मैं ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूं, व्यक्ति क्या, व्यक्तियों को जानता हूं, जो पिछले 30-35 वर्षों से गहन शारीरिक व्याधिनी वेदना को भोग रहे हैं। व्याधि और वेदना में अंतर है। व्याधि हो ठीक है, बीमारी है केले, लेकिन व्याधि ऐसी जिसमें वेदना भी है, अंग अंग उमेटे, ऐसी वेदना। लेकिन उसके बाद भी मन में स्थिरता। मैं एक युवक है जिसको लगभग 35 वर्ष हो गए, बल्कि और ज्यादा हो गए होंगे, पूरे शरीर में गठिया की तकलीफ और इतना दर्द, इतना दर्द कि कोई कुछ कह ना सके। लेकिन धन है वो व्यक्ति और उसका साहस। ऐसी स्थिति में भी हारता नहीं। ठीक है महाराज, आप लोग ही कहते हैं कर्म का उदय है। मैं सोचता हूं कि जो मुझे नरकों में भोगना था वो यहीं भुगत कर निकल रहा है, सब निपट जाए अच्छा है। ये है जज्बात। बीमारी है, संत कहते हैं तन की बीमारी को कभी मन पर हावी मत होने दो। आप सोच सकते हैं 35 वर्षों से जिसका अंग अंग उमेटे, लेकिन वैसी स्थिति में भी अपने मन में स्थिरता रखे, किसके बल पर? एक्स विजन के बल पर। क्या सोच रहे हैं? अरे कर्म का उदय है, भोगना तो मुझे है ही, आज भोगू तो, कल भोगू तो, रो के भोगू तो, हंस के भोगू तो। तुम्हारे कर्म को केवल और केवल तुम्हें ही भोगना है। मेरे कर्म मैं भोगूंगा, तुम्हारे कर्म तुम्हें भोगने पड़ेंगे। क्या बात कही महाराज। मैं ये सोचता हूं कि नरकों में भोगे जाने वाली वेदना यहीं निपट रही है, और महाराज नरकों में तो केवल भोगने की व्यवस्था है, यहां काटने की अनुकूलता है। महाराज मैं भोग नहीं रहा हूं, काट रहा हूं। क्या दृष्टिकोण है। कर्म को भोग नहीं रहा हूं, काट रहा हूं। सामान्य व्यक्ति कर्म को भोगते हैं, और जिसके पास एक्स विजन हो वो कर्म को काटते हैं। अपने मन से पूछो, तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी कुछ प्रतिकूल निमित्त आता है, तुम्हारा मन क्या कहता है?
चीजों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, हमेशा चीजों के ऊपर हावी रहने की कला विकसित करो। ये एक्स विजन है। महापुरुषों का चरित्र हमें यही सब तो बताता है, यही तो बताता है। बादीराज मुनि को कोष्ठ हो गया, उन्होंने अपने कुष्ठ के निवारण के लिए कुछ नहीं किया। ये तन है, ये तो रोग का घर है, मेरी चेतना को तो कोई कुष्ठ नहीं, कुष्ठ है मैं सहूंगा, लेकिन उनके उस पुण्य के प्रताप से उनका कुष्ठ भी चला गया और कष्ट भी चला गया और धर्म की प्रभावना भी हो गई। बात क्या कह रहा हूं, शरीर में वेदना हो, बीमारी हो, इलाज कराना, मेडिकल एड लेना, पर परेशान मत होना। एक बात दिमाग में बैठा लो, मेरी बीमारी है, एक दिन में आई नहीं, एक दिन में जाएगी नहीं, और मेरी एक दवाई खा लेना तुरंत ठीक हो जाएगी। पता है ना, हम हमेशा बांटते हैं, कौन सी दवाई है, कौन सी दवाई, संतोष बटी, एक खुराक खाओ तत्काल आराम पाओ। बीमारी आई, अब व्याकुल होने से क्या बीमारी ठीक होगी? तो शरीरगत कोई भी प्रतिकूलता हो, उसको अपने मन पर हावी मत होने दो। अभी एक रिपोर्ट मुझे किसी ने बताई कि इस कोविड के दौर में कोविड से कम कोविड के खौफ से मरने वालों की संख्या ज्यादा रही। वो अपने अंदर अगर आत्मविश्वास होता, उसे हावी नहीं होने दे तो कुछ नहीं हो सकता। 100-100 वर्ष के लोग बच के आ गए और जवान चले गए। तो एक्स विजन ए पर्सन हु इज बेसिकली डोमिनेंट इन एवरी सिचुएशन। बस ये सूत्र अपने को रखना है कि मुझे डोमिनेंट रहना है। मैं आपसे पूछता हूं, आप चीजों से कभी हारना, आप किसी से कभी हारना चाहते हो क्या? हार पसंद करते हो? एक भी व्यक्ति है कभी हार चाहोगे? नेवर, कभी नहीं। हम तो जीत को पसंद करते हैं, है ना? तो भैया, जब तुम्हें हार पसंद नहीं है तो परिस्थितियों से क्यों हारते हो? परिस्थितियों पर हावी हो, हार मत मानो। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, उसके आगे मजबूर नहीं, मजबूत बनो। डोमिनेंट रहना है। कोई फिजिकल प्रॉब्लम आई है, ठीक है, हम ट्रीटमेंट लेंगे, लेकिन तन की बीमारी को मन पर किसी हालत में हावी नहीं होने देंगे। जीवन का मजा तभी ले पाओगे, नहीं तो जिंदगी भर रोते रह जाओगे। रास्ता है तो हम उन्हें बर्दाश्त करें। कई ऐसे लोग भी हुए हैं जो अपनी शारीरिक पीड़ा से परेशान होकर सुसाइड कर लिए, और एक केस तो ऐसा आया सुनकर आपको ताज्जुब होगी। व्यक्ति कुछ जरूरत से सुंदर था और अपने आप को जरूरत से ज्यादा सुंदर मानता था। 45 वर्ष की उम्र में उसके चेहरे पर एक लकीर आई। अरे अब क्या, वो डिप्रेशन में आ गया। उसके डिप्रेशन में आने के बाद उसके मन में, आप जीना नहीं मरना है। उसका एक बेटा अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर 24 घंटे उसके साथ रहा। उसे टॉयलेट में भी दरवाजा बंद नहीं करने देते थे, लेकिन एक दिन वो व्यक्ति कहीं से सल्फास लेकर खा गया और चल दिया। ये क्या है? जो परिस्थितियों से हार जाते हैं उनकी यही दशा होती है, और जो परिस्थितियों को हराने का जज्बा रखते हैं उनकी सब जगह जय जयकार होती है। हम हरिश्चंद्र के जीवन को देखें, सत्य हरिश्चंद्र, एक राजा
कल्पना करो कैसी परिस्थिति बनी कि राजपाट छूटा, पत्नी छूट गई, बेटा छूट गया, परिवार छूट गया, एक राजा को डोम बनना पड़ा और उस डोम को भी अपना धर्म निभाने के लिए अपने बेटे के अंतिम संस्कार के एवज में शुल्क लेना पड़ा और वह भी तब जब सामने वाला देने की स्थिति में नहीं है। कल्पना कर सकते क्या स्थिति हुई होगी, भावनाओं में बहने वालों की स्थिति बेहाल होती है और कर्तव्य में दृढ़ रहने वाले निहाल होते हैं। भावनाओं में बहने वालों की स्थिति बेहाल होती है और कर्तव्य में दृढ़ रहने वाले निहाल होते हैं। वो सत्यनिष्ठ थे, उनने सोचा अभी भावनाओं में बहने का समय नहीं है, अभी तो कर्तव्य के पालन का क्षण है। उस सिचुएशन में वो सिचुएशन को हावी नहीं होने दिए, खुद डोमिनेंट रहे। यही तो कला है जीवन जीने की। आज सत हरिश्चंद, जब भी सत शब्द आता है हरिश्चंद का नाम उभर आता है। राजा महाराजा तो अनेक हुए, बड़े बड़े चक्रवर्ती हुए, पर सत हरिश्चंद एक हुआ क्योंकि वो अपनी कसौटी पर खरा उतरा। चीजों को हमें अपने तरीके से देखने का नजरिया विकसित करना चाहिए। कई लोग जिनकी पारिवारिक स्थितियां अच्छी नहीं होती, रोना रोते हैं, पति पत्नी की नहीं बन रही, बाप बेटा की नहीं बन रही, भाई भाई की नहीं बन रही है, ननद भुजाई की नहीं बन रही, देरानी जेठानी की नहीं बन रही, होता है, सब रोना रोते, क्या करें, उनका नेचर ऐसा, उनका व्यवहार ऐसा, उनका बिहेवियर ऐसा, हम कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। अरे क्या रोना रोने से सॉल्यूशन निकल आएगा? रोने में तो किसी समस्या का समाधान न तो आज तक कभी हुआ है न होगा। क्या करो, जहां समस्या उत्पन्न हुई है वहीं उसका सॉल्यूशन ढूंढो। परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, सॉल्यूशन ढूंढो, समाधान तलाशो, इसका समाधान क्या हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ है सहज भाव से स्वीकार करो। जिनके बीच जीना तुम्हारी नियति है, जिससे हट पाने की कोई संभावना नहीं है, तो तुम्हें वहीं रहते हुए अपना रास्ता खोजना होगा। देखिए, एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जिसके पिता ने उसके साथ आप लोगों की शब्दों में अन्याय किया और मेरी दृष्टि से उसका भला किया। क्या किया? पिता ने बेटे को घर से निकाल दिया। जिस दिन वो घर से निकला, जेब में मात्र 500 रुपये, पति पत्नी दोनों ने मां बाप के चरण छुए और घर से निकल गया। पिताजी, आपकी इच्छा यदि यही है तो मैं उसको पूरा करूंगा, आप आशीर्वाद दे, मैं घर से जाता हूं, बस एक भावना है, कभी जरूरत पड़े तो हमें याद जरूर करना, कभी जरूरत पड़े तो हमें याद जरूर करना। चला गया, 2-3 दिन अपने दोस्त के घर रहा। स्थितियां हुई, कई लोगों ने कई तरह की सलाहें दी, एक दो लोगों ने तो ये कह दिया अपने पिताजी पर केस ठोक दो, सलाहकार तो ऐसे ही मिलते। उसने कहा, भैया जिस पिता ने मुझे पाल पोस करके बड़ा कर दिया, इंजीनियर बना दिया, उनकी ये देन क्या कम है, उन्होंने मुझे जो दिया है मैं पूरे जीवन उसका ऋण नहीं चुका सकता।
बहुत कुछ दिया, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। उन्होंने आज मुझे घर से निकाला है तो कोई बात नहीं, अब नया रास्ता चुनेंगे। हर मनुष्य को कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाता है। लड़का प्रतिभावान था, गुडविल अच्छी थी, उसके कुछ मित्र आगे आए और उन्होंने रियल इस्टेट की एक कंपनी बनाई। घटना 2000 के आसपास की है, 1999 की घटना। रियल इस्टेट की कंपनी बनाई और उसके बाद जो रियल इस्टेट में बूम आया, वो आदमी सफलता के शिखर पर पहुंच गया, सफलता के शिखर पर पहुंच गया। और दूसरी तरफ जिस छोटे भाई के बहकावे में आकर माँ बाप ने उसे निकाला था, उस भाई ने माँ बाप को भी निकाल दिया। उसने उसी स्थिति में अपने माता पिता को वापस कहा, पिताजी ये आपका ही घर, आप रहिए, हम आपके पास रहेंगे, आप हमारे पास नहीं रहेंगे। ये दृष्टिकोण दूसरा होता तो टूट जाता, डिप्रेशन का शिकार हो जाता। अब क्या करे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं, मेरे साथ घोर अन्याय हुआ। ध्यान रखना, कई कई बार परिस्थितियां हमें अपने आप को साबित करने का मौका देती है। आप घबराओ नहीं कि ये सिचुएशन कैसे आई, ये सिचुएशन अपने आप को प्रूव करने का एक चांस है। साबित करो, आगे बढ़ो। जो समझ लेते हैं और सही कदम बढ़ाते हैं, वे अपनी एक अलग पहचान बना देते हैं, और जो नहीं समझ पाते, उनकी दशा संसार में ऐसी ही बनी रहती है। तो कोई पारिवारिक स्थिति हो, सामाजिक रेपुटेशन की बात हो, या व्यापारिक बात हो, हर स्थिति में स्थिरता जीवन का एक क्रम है। कब किसके साथ क्या हो जाए कोई पता है? ऊपर चलने वाला नीचे गिर जाता है और नीचे रहने वाला ऊपर चला जाता है। घबराना नहीं चाहिए। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो भारत से बाहर रहते हैं, मल्टी बिलियन है, कोई साधारण हस्ती नहीं है। उस व्यक्ति ने एक दिन अपने जीवन की बात बताई कि महाराज श्री, मैंने अपने 6.5 वर्ष की उम्र में आधी दुनिया घूमी। 6.5 साल का था तब मैं आधी दुनिया घूम चुका था, पर महाराज मेरी एक स्थिति ऐसी आई कि 22 साल की उम्र में मैंने रोटी चोरी करके खाई। कल्पना कर सकते हैं, 6.5 साल की उम्र में जिसने आधी दुनिया घूम ली, उस व्यक्ति के जीवन में इतनी ज्यादा गिरावट कि 22 साल में वो दाने दाने को मोहताज हो गया, उसे रोटी चोरी करनी पड़ी उधर पूर्ति के लिए। कल्पना कर सकते हो कितना बड़ा डाउनफॉल। लेकिन उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी, आज पहले से बड़ा साम्राज्य खड़ा है, मल्टी बिलियन है। बिलियन समझते हैं ना, 100 करोड़ का 1 बिलियन होता है, तो कई 100 करोड़ डॉलरों में वो उसका धनी। और वो कहते हैं, महाराज समझ में आ गया, पैसे का जीवन में कोई भरोसा नहीं और पैसों का जीवन में बहुत बड़ा रोल भी नहीं। जो लोग अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से घबरा उठते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज और सब बातों में तो फिर भी स्टेबिलिटी रहती है, पर जब फाइनेंशियल ग्राफ नीचे गिरने लगता है तो रात की नींद उड़ जाती है। अरे भाइयों, फाइनेंशियल ग्राफ मत देखो, जीवन का ग्राफ भी देखो। और एक बात और है, क्या कहते हैं लोग कि हमारे जीवन में ECG जैसा अप डाउन चलना चाहिए। ECG फ्लैट आ जाए तो गए काम से, है ना। अप डाउन तो चाहिए,
जीवन का मजा ही तब है जब उसमें अप डाउन हो, पर उस अप डाउन की स्थिति में अपनी स्थिरता को बनाए रखने की स्थिति होनी चाहिए। ए पर्सन हु इज बेसिकली डोमिनेंट इन एवरी सिचुएशन, हर हाल में उन पर हावी हो जाओ। महाराज आप बोलते हैं तब तो ऐसा लगता है कि अब बस यही करना है, ऐसा ही लगता है ना, कैसे करे। चार बातें। नंबर वन, आत्मविश्वास के धनी बने, प्रगाढ़ आत्मविश्वास, आत्मा का भी विश्वास और कॉन्फिडेंस वाला भी विश्वास। अपनी आत्मा की तरफ दृष्टि रखो, मैं आत्मा हूं, इसका न बिगाड़ होना है न सुधार होना है। यह अजर हमारा विनाशी है, मेरी आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं जा सकता। सृष्टि उलट पलट जाए तो भी मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। ये विश्वास जिनके अंदर होता है कभी नहीं घबराते। सेठ सुदर्शन को सूली पर चढ़ाया गया, बोले ठीक है सुदर्शन नाम के सेठ को कोई सूली पर चढ़ा सकता है, पर मेरे भीतर के सुदर्शन को तो कोई छू भी नहीं सकता। मेरे भीतर के सुदर्शन को कोई छू नहीं सकता, आ जाओ। जैसे लोग देखेंगे मैं भी देखूंगा, ये शरीर है इसे सूली पर टांगा गया है, ये तो एक दिन टंगना ही है। जब तक आयु है तब तक शरीर है, जिस दिन आयु पूरी उस दिन शरीर की कहानी पूरी। स्थिर बने रहे किसके बल पर? आत्मा के विश्वास के बल पर। नतीजा, सूली भी सिंहासन में परिवर्तित हो गई। अगर तुम्हारे अंदर आत्मा का विश्वास है, तुम्हारे मन में किंचित भी घबराहट नहीं होगी। सन 2006 में जब मैं मुर्शिदाबाद की ओर जा रहा था कोलकाता से, बांग्लादेश की सीमा से गुजर रहा था, एक स्थान पर 2000 से ज्यादा लोगों ने मुझे घेर लिया घातक अस्त्रों के साथ, जिनके हाथ में कटार और खंजर भी मैंने देखी, घेर लिया। उन्हें देखकर मेरे मन में न तो क्षोभ हुआ न भय। मैंने केवल एक ही बात सोचा, यदि इस शरीर का अंत इनके निमित्त से आज होना है तो हो जाएगा, और मुझे तो ये छू भी नहीं सकते। मेरे अंतर मन में एक समय सार बार बार उमड़ रहा था, छिज्जदुआ भिज्जदुआ अहो जादु विप्लयम जम्मा तम्मा गच्छदु तहावि न परिगहो मच्छ। ये तो आप लोगों का पुण्य था, वो मूवमेंट करीब करीब 5 मिनट के बीच का मूवमेंट, चाहते तो बोटियां उधेड़ सकते थे, लेकिन आज सलामत हो। अब आप सोचो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, भागोगे? अंदर से जागोगे तो ठीक होगा, अंदर से जागोगे सब ठीक होगा। सामने से फेस किया, निकल गया, और आज कुछ नहीं। हर मनुष्य के जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है, कभी भी आ सकता है, आत्मा का विश्वास। दूसरी बात, कोई एडवर्स पोजीशन बन जाए, किसी तरह की एडवर्सिटी आ जाए, कॉन्फिडेंस रखो, मैं इसका हल निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका हल निकाल लूंगा, घबराओ मत। तुम्हारे सामने अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आए, ध्यान रखना, तुम्हारे सामने यदि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आए, बिल्कुल मत घबराओ, अपने आप को इतना बड़ा बना लो, प्रॉब्लम अपने आप छोटी हो जाएगी। इतनी प्रॉब्लम हो, अपने आप को इतना बना लो, हमेशा समस्या से ऊपर उठ के देखो, समस्याओं से दबो मत। यह है एक्स विजन, कॉन्फिडेंट, मैं कर लूंगा, भरोसा होना चाहिए। दूसरी बात,
कर्म सिद्धांत पर विश्वास, कर्म सिद्धांत पर विश्वास। ठीक, कर्म का उदय है, यह संसार है, पुण्य पाप का खेल है। महापुरुषों के जीवन में भी बड़ी बड़ी चुनौतियां आई, उन्हें घोर घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ा। तो मैं किस खेत की मूली हूं? अगर आज पाप का उदय है और पापोदय के निमित्त से इस तरह की कोई विषमता आई है, आई है, सामना करना होगा। कल समय पलटेगा, सब ठीक होगा। और पाप हो या पुण्य, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो महज पर संयोग है। इनमें समता, ये उसी के हृदय में आ सकती है जिसके अंदर कर्म सिद्धांत पर प्रबल विश्वास होता है। आजकल लोग कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखने वाले कम हैं, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखने वाले लोग कम हैं, कर्म कांडी ज्यादा। दुनिया भर के ठटकर्म, सत्तर मड़िया पूजने लगते हैं, अंत में होता वही है जो होना होता है। कर्म सिद्धांत के विश्वासी बने, प्रगाढ़ श्रद्धान होना चाहिए। जैसे उस व्यक्ति ने कहा कि मैं यही सोच रहा हूं कि नरक में भोगने वाले कर्म यही कट रहे हैं, भोगना नहीं पड़ेगा। कभी भी कोई ऐसी सिचुएशंस खड़ी हो, सोचो सामने वाला तो निमित्त बनकर आया, अंतरंग में मेरा कर्म है। ठीक है, जब तक ये कर्म अनुकूल नहीं होगा चीजें नहीं बदलेगी, तो उसे बदलने की जगह मैं अपने कर्मों को बदलने का रास्ता अंगीकार करूं। कर्म सिद्धांत पर भरोसा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बेटे के गलत पॉलिसी के कारण लगभग 50-60 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ, एक गलत पॉलिसी के कारण। लेकिन धन्य है वो व्यक्ति, घबराया नहीं। ठीक है, जब कर्म का उदय आया, आया, लाखों रुपया का दान करने वाला 10,000 रुपए के लिए मोहताज हो गया। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, उसके गांव में 7 मंदिर थे, 7 मंदिर, नियम ले लिया, 7 मंदिरों के दर्शन करके ही भोजन करूंगा, पैदल चलना। लगभग 7 मंदिरों के दर्शन में उसे 5 किलोमीटर चलना पड़ता। 7 मंदिर के दर्शन करना और आखिरी वाले मंदिर में अभिषेक पूजन करके आना, गर्मी में भी 46-47 टेम्परेचर में 11 बजे आने के बाद मुंह में पानी डालता। कर्म का उदय, अब कर्म कटेंगे सो कटेंगे, मेरे पास तो और कोई रास्ता है नहीं। 6 महीना बीते, उस व्यक्ति की एक प्रॉपर्टी थी नासिक में, लिटिकेशन में पड़ी हुई थी, परेशान था। सामने वाला खुद चल के ऑफर करता और वो 60 करोड़ में बिक गई। और देखो पुण्य आता है तो कैसा होता है। उसके पिताजी ने पीसी सेठी के जमाने में भोपाल में कुछ प्रॉपर्टीज ले रखी थी, इनको पता ही नहीं था। चला के दलाल का मैसेज आता है, भाई तुम्हारी एमपी नगर में प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है भोपाल में, बड़ी कीमती, बेचना है तो बेच दो। उसने कहा चलो इससे अच्छी बात क्या होगी, उसको सलटाया, जितनी लायबिलिटी थी वो चुकाया और आज पहले से सुदृढ़ स्थिति में आ गया। इसके अंदर धैर्य आया किसके बल पर? कर्म के विश्वास के बल पर। आपसे भी मैं कहता हूं, घबराना नहीं, रात के बाद तो केवल प्रभात होता है, घबराओ मत। रात के बाद केवल होगा तो प्रभात ही होगा। बिछड़ा मन का मीत प्रीत के उर में व्यथा बहुत है, नैनों के नीरव चितवन में प्रिय की कथा बहुत है। बिछड़ा मन का मीत प्रीत के उर में व्यथा बहुत है, नैनों के नीरव चितवन में प्रिय की कथा बहुत है। हो मत सांस अधीर, दोबारा कोई और मिलेगा, यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा। प्रभु पूजा का दीप देह का यह उपमान बहुत है, गंगा जल कहला ले आंसू यह सम्मान बहुत है। गा प्रभात का गीत, भीत हो अंधियारा पिघलेगा, यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा। दृष्टिकोण वैसा होना चाहिए। कर्म सिद्धांत पर भरोसा। तीसरा,
सकारात्मक आशावादी सोच, पॉजिटिव सोचो और आशावादी बने रहो, नेगेटिव मत सोचो। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, गलत हुआ है तो वो भी बदलेगा, और गलत हुआ है तो कितना गलत हुआ ये मत देखो, जो बच गया उसे देखने की कोशिश करो। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति ने अपना घर बनाया, हफ्ते भर बाद उसमें उसे प्रवेश करना था, संयोग पूरे घर में आग लग गई, धू धू कर जल गया, उसके सपनों का महल राख में परिवर्तित हो गया। लोगों को भी बड़ा दुख हुआ, लोग उसे सहानुभूति देने के लिए आए। उसने कहा, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ भगवान का, हफ्ते भर बाद उस मकान में मुझे प्रवेश करना था, अच्छा हुआ आग आज लगी, यदि यही आग हफ्ते भर बाद लगी होती तो मकान के साथ मेरा परिवार भी स्वाहा हो जाता। मकान तो फिर भी खड़ा किया जा सकता है, लेकिन परिवार को दोबारा खड़ा करना संभव नहीं है। यह एक्स विजन, ए पर्सन हु इज बेसिकली डोमिनेंट इन एवरी सिचुएशन, ये शक्ति ये क्षमता विकसित करो पॉजिटिविटी के बल पर, बेहतर कल की आशा में। हताशा निराशा से बचने का यही एक रास्ता है, इसे अपना कर जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। और चौथी बात, बस ये सोचो सब थोड़े समय की बात है, धीरज रहेगा, पेशेंस आएगा। ठीक है, कोई भी सिचुएशन है स्टेबल नहीं है, चेंज हो जाएगा, इट विल बी पास्ट, ये बीत जाएगा, समय बदल जाएगा, थोड़े समय की बात है, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं कल बदलेगा, थोड़े और समय की बात, थोड़े समय की बात। कई लोगों का मन टूट जाता है, कैसे करे कैसे करे कैसे करे, भैया थोड़ा तो धैर्य रखना ही पड़ेगा, लोग अधीर हो जाते हैं। जब बड़ी चीजें चाहिए तो धैर्य भी बड़ा रखना पड़ता है। एक व्यक्ति ने स्वर्ग के देवता से पूछा कि स्वर्ग में लड्डू कितने बड़े होते हैं, उन्होंने बता दिया हाथ फैलाकर, इतने बड़े होते हैं। बोले मुझे लड्डू दोगे, बोले दूंगा। पूछा, अच्छा ठीक है, स्वर्ग में एक क्षण कितने दिन का होता है, स्वर्ग में एक क्षण कितने दिन का होता है, बोला एक बरस का, एक क्षण एक बरस का। ठीक, बोले लड्डू दो, बोले हाँ दूंगा। पहुंच गया, बोले मुझे लड्डू दो, बोले एक क्षण रुको, लड्डू दो का एक क्षण रुको। तो भैया लड्डू खाना है तो रुकने के लिए तैयार होना पड़ेगा कि नहीं? जब स्वर्ग के लड्डू खाने हैं तो स्वर्ग के क्षण भी बिताने होंगे, उसके लिए धैर्य। और मन में धैर्य पनपता है जब ऐसा लगता है ठीक है थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा, तो कोई सिचुएशन तुम पर हावी नहीं हो सकेगी। जीवन में ऐसा ही जज्बात होना चाहिए। एक राजा अपने वजीर से नाराज हो गया और उसे फांसी की सजा घोषित कर दी। संयोग से जिस दिन उसको सजा दी गई उस दिन वजीर का जन्मदिन था, वजीर मंत्री उसका जन्मदिन था, और वो भी ऐसा वैसा नहीं था, बड़ा लोकप्रिय था, उसके सारे प्रशंसक उसके साथ उसके जन्मदिन का जश्न मना रहे थे। अचानक एक खबर आई, सन्नाटा पसर गया, सबके सब स्तब्ध है कि कल हमारे प्रिय मंत्री को फांसी चढ़ाया जाएगा। सबके हाथ पांव कीलित से हो गए। मंत्री ने कहा चालू करो नाचगान। बोले हमारे अंदर जान नहीं, नाचगान कैसे करें? बोले नहीं, नाचगान शुरू करो। बोले ये तो मातम मनाने का क्षण है। बोले कोई नहीं, मालूम है आपको कल फांसी पर चढ़ाया जाएगा। बोले चढ़ा दो फांसी पर, कल चलूंगा आज थोड़ी। मैं चाहता हूं कि अगर फांसी पर ही चढ़ना है तो यहां से नाचते हुए फांसी के फंदे तक पहुंचूं, अगर फांसी पर चढ़ना है तो यहां से नाचते गाते हुए फांसी के फंदे तक पहुंचूं। राजा ने अपने खुफिया तंत्र से पूछा,
पता लगाया वहाँ का क्या हाल है, क्या प्रतिक्रिया है। तो कहा महाराज वहाँ तो बड़ा आनंद है, वहाँ किसी के मन में कोई शोक नहीं, अपितु ऐसा आनंद है जैसे किसी को पुत्र की प्राप्ति हुई हो, वो भी लंबी प्रतीक्षा के बाद। किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई हो, वो भी लंबी प्रतीक्षा के बाद। तो राजा ने अपना फरमान वापस लेते हुए कहा, जिसे जीना आता है उसे कोई मार नहीं सकता, मैं अपना फरमान वापस लेता हूं। और वो बच गया। यह है एक्स्ट्रा विजन। अब अभी तो तुम्हारा कोई विजन ही नहीं है, तो एक्स विजन क्या होगा, है ना। कई लोगों का कोई विजन ही नहीं है, कोई ध्येय नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है। सही दृष्टि जगाइए, सही लक्ष्य की ओर बढ़िए, जीवन तभी उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा। और आपके अंदर ये सारी क्षमताएं विकसित करने में मददगार बनेगा भावना योग, जो इलनेस से वेलनेस तक जाने का प्रयोग है, जो तुम्हारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और तुम्हारी चेतना को प्रशस्त बनाने में मददगार है। कीजिए, अपने अंदर की शक्ति और क्षमताओं को उद्घाटित कीजिए। हमारे अंदर वह सब कुछ है जिसके बल पर हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। कोई भी इंसान कहीं से कमजोर नहीं, वो अपने आप में परिपूर्ण है। आवश्यकता केवल अपने भीतर की परिपूर्णता को पहचान कर उसे उद्घाटित करने के यत्न की है। वो दृष्टि अगर विकसित हो गई तो जीवन निहाल होगा। इसलिए एक्स, बस एक्स विजन हो तो हमारी जीवन की स्थिति खत्म ठीक हो जाएगी।